आया था। इस वीडियो से पहले मैं आपके लिए लेकर आया था हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, तो उसी वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है। उस वीडियो में जो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया था, जो चीज़ मैं आपको नहीं बता पाया था, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि हेल्पिंग वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है आपको ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहती हो कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनाने होते हैं। टेंस अगर आप देखिए तो केवल टेंस ही 12 तरह के होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब आती है और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और केवल टेंस ही नहीं पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको फिर ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इस वीडियो के बाद आप पूरी इंग्लिश ग्रामर में महारत हासिल कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और अगर आप बिगिनर्स हैं, यानी कि अभी आपकी इंग्लिश सीखने की शुरुआत है, आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मेरी सलाह है कि आप जो वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि पूरे सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, बेसिक नॉलेज उसमें दिया गया है। तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी इंग्लिश की कोई भी वीडियो देखेंगे तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपको वो हर वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके फर्स्ट पार्ट को देख लिया होगा और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उस फर्स्ट पार्ट में जो बचा रह गया था, उसका जो आपको बताना है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस वीडियो में आपने देखा था सबसे पहले लिखा हुआ था ये एक रूल जो कि इंग्लिश बनाने का था, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसमें सब्जेक्ट के बारे में जो बातें रह गई थी वो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कुछ काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या कुछ काम कर रहा हूँ, खाना खाने का। आप मोबाइल देख रहे हैं, यानी आप मोबाइल देखने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ काम करे सेंटेंस में उसे कर्ता कहते हैं, और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। और अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे कि वह लड़का है तो वो ही इज बॉय, आप क्या कहेंगे, ही इज बॉय, इसका इस वाले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन वो कुछ काम तो कर नहीं रहा है सेंटेंस में, फिर भी आप ये ही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कुछ करे वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आपने देख लिए, और इन सभी को मिला के कहा जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि नाउन के जो बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में हमने रखा है आई और वी। हमने क्या रखा है, ये शुरू से ही रखा गया है इंग्लिश ग्रामर में, जो बना है वही सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी यही चीज पढ़नी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में आई वी है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में यू है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में ही सी इट और दे है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है बात करने वाला, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। आई और वी बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। आई और वी को बात करने वाला, जो बात करता है, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं। अगर यहां पर और लोग होते तो हम क्या कहते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं या हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो देखिए आपने फर्स्ट पर्सन ये प्रोनाउन हो गए, और जिससे बात की जाए सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, जिससे बात की जाए, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए आप यू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जिससे बात की जाए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जिसके विषय में बात की जाए, यानी हम किसी के विषय में बात करें, वह लड़का है तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आपसे बात कर रहे हैं ये तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो बचा क्या, जो बचा वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह लड़का है तो ही, वह लड़की है, सी, वे वहां रहते हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गए। तो आपने देख लिया कि किस तरह से इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, क्या मतलब है इसका, ये सब आप समझ गए। और अब हम चलते हैं उसके तरफ जिसके लिए आप यहां इस वीडियो में आए हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरफ। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से किस किस टाइप
के सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी घबराना नहीं पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। समय समाप्त हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आइए आपको एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से इसका यूज करना है। ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, देखिए 1 2 3 4 5, बस 5 ही लाइन है और कुछ नहीं। इतना आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए आपने पूरी इंग्लिश ग्रामर में महारत हासिल कर ली, और हेल्पिंग वर्ब के झंझट से आपको फिर याद करने वाली झंझट खत्म हो जाएगी। आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरह से इसको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको ध्यान से आप देखिएगा, एक एक लाइन वाइज आप देखिएगा। जब इज एम आर, जब इन तीनों की बात होगी तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ही सीट के साथ इज, यू वे दे के साथ आर, और आई के साथ एम, इस तरह से याद करिएगा। वाज या वर की जब बात होगी तो आई यू वे दे के, आई के साथ वाज, यू वे दे के साथ वर, और ही सीट के साथ भी वाज लगेगा जब वाज वर की बात होगी। जब डू या डज की बात होगी तब आई यू वे दे के साथ डू और ही सीट के साथ डज लगेगा, और जब हैव या हैज की बात होगी तो आई यू वे दे के साथ हैव लगाएंगे आप और ही सी इट के साथ में हैज लगाएंगे। जब सैल या विल की बात होगी तब आप आई और वी के साथ में केवल सैल लगाएंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ विल लगाएंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं, और आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन अगर याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। 5 दिन में भी अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। फिर आपको इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं, आराम से आप इंग्लिश पढ़ेंगे। और आपको मैं एक बात ये भी एक्सप्लेन कर दूं, यहां पर लिखा है इज, यहां वाज, यहां डू या डज, हैव हैज विल, मगर अब हो सकता है ऐसा तो है नहीं कि केवल यही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब इज के साथ हो सकता है इज अबाउट टू हो, एम अबाउट टू हो, वाज हैविंग टू हो, और डू हैव बीन हो, विल हैव बीन हो, यानी दो या दो से अधिक भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान किस पे देना है, ये जो आपके लिए बेसिक हमने लिखवा दिया है। अगर सैल है तो मान लीजिए सैल के साथ अगर लगाए सैल हैव बीन, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको मालूम है सैल या तो आई के साथ लगेगा या तो विल वी के साथ लगेगा। अगर आई यू वी आया तो आप सैल लगाइए, नहीं तो विल लगाइए, भले ही उसके साथ में विल हैव बीन या सैल हैव बीन ज्यादा हो कम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल जो बेसिक मैंने यहां समझा दिया ये आप ध्यान में रखिए बस, और कुछ आपको नहीं करना है। उसके बाद ये आपके सामने छोटा छोटा लिखा हुआ है बहुत सारा, ये भी बहुत सारा नहीं है, ये भी बहुत आसान है। देखिए फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए, यानी जब डिड हेल्पिंग वर्ब की बात होगी तो आप डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, जब हैड हेल्पिंग वर्ब की बात होगी तो भी आप सारे सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात हो तो भी आप सारे सब्जेक्ट के साथ में मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी। मॉडल हेल्पिंग वर्ब अगर आपको नहीं मालूम है तो ये छोटा छोटा यहाँ लिखा हुआ है, कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट यूज टू ऑट टू, तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि कैन अगर आ गया तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, कुड आ गया तो सारे सब्जेक्ट के साथ, उसी तरह से सारे ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, यानी कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, डिड और हैड भी सारे सब्जेक्ट के साथ। तो आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे नए साथी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक्सर के साथ।